नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां सुबह से मतदान चल रहा है और 11 बजे तक की जो अपडेट मिला है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में वोटिंग चल रही है और 11 बजे तक 20% मतदान हुआ है। आगरा में 20.42% मतदान हुआ है। इसके साथ ही अलीगढ़ में 17.91% मतदान की खबर है। बागपत में 22.24%, बुलंदशहर में 21.63% मतदान हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 18.43% मतदान हुआ है। इसके साथ ही गाजियाबाद में 17.26% मतदान, हापुड़ में 22.78% मतदान की खबर अभी तक 11 बजे तक के मतदान का भी अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ ही मथुरा में 20.39, मेरठ में 18.92% मतदान की खबरें हैं। मुजफ्फरनगर में 22.56% मतदान की खबर है। ये मुजफ्फरनगर वही है जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा है इसको लेकर। तो पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग हुई और 11 बजे तक कुल मिलाकर 20% मतदान की खबरें अभी तक है। आगरा में 20% से ज़्यादा मतदान हुआ है। अलीगढ़ में लगभग 18% मतदान की खबरें हैं। बागपत में 22% से ज़्यादा मतदान की खबरें हैं। बुलंदशहर में ये आंकड़ा लगभग 22% के आसपास पहुंच रहा है। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में भी 18.5% मतदान हुआ। गाजियाबाद में 17% से ज़्यादा मतदान है। हापुड़ में अभी तक सबसे ज़्यादा लगभग 23% मतदान की खबरें हैं। तो 11 बजे तक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि मथुरा में 20%, मेरठ में 19% के लगभग मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक ये मात्र 9% मतदान था और लग रहा था क्योंकि खराब मौसम है, घना कोहरा था सुबह के समय, ठंड था और मौसम ने करवट ली थी, जिसके कारण मतदान पर असर देख रहे हैं। और जो जो धूप निकलती जा रही है, मतदान का प्रतिशत भी इन सारे जिलों में बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें 11 जिलों के 58 सीटों पर कुल मिलाकर आज पहले चरण में मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा करेंगे एक पूरा खास मेहमानों का, एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। उसके पहले हम दर्शकों को बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शान खान, इसके साथ विपुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सपा नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल खान, और फ्रीलांस पत्रकार सुशील दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दुबे जी, आप ही के पास अनादि टीम बहुत स्वागत है आपका। और 28 सीटों पर मतदान चल रहा है दुबे जी, और इस वक्त और सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की अपनी पहली चुनावी रैली सभा संबोधित की है और मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई और कहा कि जो दंगे हुए वो कलंक था। तो जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में आज वोटिंग हो रही और सहारनपुर में प्रधानमंत्री का ये कहना, क्या आप उसके मायने समझते हैं? मनोज भाई, 2,23,00,000 के आसपास मतदाता 58 सीटों पर आज मतदान करेंगे। जी 58 सीटें जी, जहां पर पिछली बार गाय गंगा गोबर वाले लोग 54 सीटें ले गए थे। अब की जो आकलन है और जो अभी तक का मतदान प्रतिशत है 2 बजे तक का जी, वो मतदान प्रतिशत है 22 के, ये बहुत शानदार मतदान प्रतिशत है। आज सवेरे हमें एक ऑडियो मिला एज ए फ्रीलांस पत्रकार, जिसमें मोदी नगर की एक भाजपा महिला विधायक कह रही हैं, उनका कार्यकर्ता उन्हें फोन कर रहा है कि मैडम बड़ी दिक्कत है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बड़ा गुस्सा गुस्सी है। तो उन्होंने कहा सुनो, तुरंत हिंदू मुस्लिम कर दो, जाटों पर गौर करो, और ब्राह्मण और ठाकुर तो बीजेपी का चमार ही तो दरी बिछाएगा ही बिछाएगा, कहा जाए कहा। फिर उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करो, जाटों में ध्यान करो, सुनो खबरदार फोन पे ऐसी बात नहीं की जाती, फोन रख दिया। विधायक जी का नाम मैं नहीं लूंगा, सब जानते हैं जी। बाकी जो स्थितियां बन रही है, अच्छा आप बताओ, क्या खालिस्तानी किसान वोट करेगा? क्या मवाली किसान वोट करेगा? क्या आतंकवादी किसान वोट करेगा? क्या कनाडा से जिसको राशन मिला था एक साल तक, जिसके पेप्सी के खून की आंसू रोए वोट करेगा? भाई जितना देखिए, पश्चिम का जो किसान है ये अन्नदाता की धरती है, यहाँ का गन्ना जो होता है वो 12 फुट का होता है, बड़ा मोटा गन्ना होता है, मजबूत गन्ना होता है, 2 फिट का 3 फिट का गन्ना नहीं होता है जी। और ये वो किसान है जो पूरे उत्तर प्रदेश को दिशा दिखाता है आन वान शान की, कि वो किसान है जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का किसान है और चरण सिंह जी का किसान है। जहां पर देखिए, एक बार अगर आपको याद हो मनोज जी, एक बार नारा लगा था
राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वो आदमी पीएम बन गया, उसके बाद नारा लगा था राजा नहीं फकीर है, देश का बवासीर है, ये भी नारा उसी के लिए लगा था। तो मनोज जी नारा वहां पर जो चल गया है वो चल गया महंत नहीं जयंत चाहिए, महंत नहीं जयंत चाहिए। और नारा जो होता है वो ऐसे समय पर जब लगने लगता है इस टाइप का नारा, और जो नारा सूट कर जाए, जो नारा दिमाग में बैठ जाए, फिर नारा असर दिखाता है। और मैंने हर चैनल पर, आज सवेरे भारत समाचार में बैठा था, आप पे बैठा था और तमाम पे, मैंने एक बात जरूर कही और मैं ये दावे से कह सकता हूं, मैं शुरू इस चुनाव की इस वोटिंग से पहले से मैं कह रहा था मनोज जी कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो परिणाम आशाजनक होंगे। और ये खुदा का कर्म है, हनुमान जी कृपा है कि अब की का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान नहीं होगा, जो 58 सीटों में पश्चिम के पहले चरण ने दिखा दिया। और अगर एक चीज बताइए, फिर वही दंगे की बात कर रहे थे, दंगा दंगा पलायन दंगा पलायन। अरे भाई, अगर फोड़िया होती है, घाव होता है, तो हल्दी लगाई जाती है, सोफ्रा माइसिन लगाई जाती है, घाव पे पट्टी बांधी जाती है, घाव को भरा जाता है, घाव को ठीक किया जाता है और गले मिला। लेकिन दुबे जी, आप भी मानते हैं ना कि राजनीति में जो मुर्दे हैं वो भी बड़े काम के होते हैं और जो घाव में बड़े काम के होते हैं। हमारा इसलिए राजनीति में मुर्दों को दफनाया नहीं जाता है, इसलिए घाव को भरा नहीं जाता। मनोज जी, किसवीं सदी चल रही है, हम नौजवान क्या झंडा लेके जैसे साहब करके बच्ची के पीछे दौड़ के उसको दौड़ाएंगे? हम क्या मुर्दे की राख को माथे लगाते रहेंगे? हम क्या मुर्दे की लाश पर बैठ के जश्न मनाएंगे? हमें 21वीं सदी का वो नौजवान चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, या वो नौजवान चाहिए झंडा लेके भगवान के नाम पे गुण नहीं करे? हमें वो सत्ता चाहिए जो किसानों को खून के आंसू रुला दे? हमको वो सत्ता चाहिए क्या जो अपने ही देश में अन्नदाताओं को, अपने ही देश में अन्नदाताओं के ऊपर कील के वो बिछा दे, कील की पट्टियां जिसपे वो गाड़ी पे चढ़ पाए, अपने ही देश में खंडक खुदवा दे किसानों के लिए? लेकिन दुबे जी, इतने सबके बाद भी जो टिकटों का वितरण, आपको नहीं लग रहा है कि जो आप बात कह रहे हैं वो कहने सुनने में अच्छी है, जमीनी हकीकत कुछ और है? क्योंकि जो किसान वहां से लौटा तो वो फिर जाट बन गया है, वो फिर गुजर बन गया है, वो सैनी बन गया है, वो अल्पसंख्यक बन गया। और ये जो टिकटों की जो वितरण हुआ है उसमें भी इस बात का, जातिगत कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखा गया है। और यही ये नहीं होता तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह है, धर्मपाल सैनी है, वो शायद बीजेपी के नाव में सवार होते, वो जाते नहीं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, इतने दिनों के बाद भी जात के आधारित राजनीति हो रही है। खैर, ये तो चलती रहेगी, इसमें हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए पत्रकार ये आवाज तो उठनी चाहिए कि अच्छा ये बताइए, हम क्या अपने आप को, हमको समाधि भी कहा जाए उसके बाद भी हम अपने आप को वोट दे देंगे इस बात के लिए कि हम उसी जात के हैं? तो यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वो किसान जो सब दूर का इकट्ठा होके वो जब सिंगू बॉर्डर पर बैठता है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठता है, तो वो किसान हो जाता है, लेकिन वो जब वहां से लौटता है तो फिर वो जाति धर्म के खांचों में बट जाता है। तो ये जो राजनीति हो रही है तो इससे कैसे उभरा जाए? अगर ये नारा निकला है कि महंत नहीं जयंत चाहिए, तो ये नारा किसान का निकला है, ये किसी जाट का, किसी गुजर का, किसी मुसलमान का, किसी सबर्ण का, किसी बैकवर्ड का नहीं निकला है। नारा जो होता है वो एक सत्ता के विपरीत नारा होता है। पांच, अच्छा ये बताइए, अगर इतना ही नारों की बात हो रही दुबे जी, तो हमने एक नारा बरसों बरस सुना था जब अटल जी प्रधानमंत्री बनी, नहीं बने उसके पहले से, कि अब की बारी अटल बिहारी। लेकिन अटल बिहारी की बारी बहुत बार आई, वो ये नारा लगाते बीजेपी वाले ही थे बस। ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो लोग घूम घूम के मतदान कर रहे हैं, ये बता देता है कि मतदान का क्या असर आने वाला है। इसका एहसास आपको भी हो रहा है, हमारे जो पैनल के साथी बैठे, मित्र बैठे, उनको भी हो रहा है। और पश्चिम का मैंने आपसे कहा, पश्चिम की जो नब्ज है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो परिस्थितियां दूसरी होगी। उस समय पलायन 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 को लेके, इसी पलायन को लेके, इसी कराना मुजफ्फरनगर को लेके एक माहौल बन गया था कि जैसे लग रहा था पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान चला जाएगा, पलायन कर देगा, दंगई होंगे।
अरे एक गांव में, दो गांव में, दो चार घरों में कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको पूरे प्रदेश की तस्वीर मान ले, पूरे बिल्कुल निश्चित तौर पर मान ले, और उसी केवल एक पलायन के नाम पे हम पूरे 5 साल राज करें और अगले चुनाव में हम वही पलायन की बात करें, अगले चुनाव में हम दोस्ती की बात नहीं करते। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विपुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। विपुल जी, जिस प्रकार से पश्चिम में जो वोटिंग परसेंटेज है और दुबे जी जो बता रहे हैं, तो वाकई स्थिति खराब है आपके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर नारा लग रहा है महंत नहीं जयंत चाहिए। देखिए, पहले तो मैं दुबे जी को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा शुरुआत में है कि गाय गोबर गंगा जल की सरकार है, इससे इनको क्या परहेज है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो केवल एक पर के लिए काम करती थी, और देश में 2014 के बाद जो माहौल बना है कि इनके उन लोगों को भी तमाम मंदिरों पे जाना पड़ा और मंदिर मत टेकना पड़ा, वो 14 के बाद का ही माहौल है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि दुबे जी किसी पार्टी के सदस्य हैं, जिस तरह से दुबे जी प्रवक्ता नहीं पत्रकार है, मैं आपको बता दूं, और वो अपनी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनकी भाषा शैली लगता है कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह से उन्होंने अच्छा आप तो अपनी बात कीजिए ना, मैं आऊंगा आपके पास भी, जीत 58 सीटों पे भाई आपके पास भी आऊंगा, आज चुनाव हो रहा है। उन्होंने सच बोला तो आपको बुरा लग गया? नहीं, जिन 58 सीटों पे आज मैं 10 साल से 5 अखबारों का आज वोटिंग हो रहा है, जनता पार्टी मुझे लगता है बारी बारी से कहेंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा और आपको भी मजा आएगा। जी विपुल जी, तो विपुल जी, अगर इस समय विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो फिर अचानक से प्रधानमंत्री को सहारनपुर में मुजफ्फरपुर नगर के दंगों की याद क्यों दिलाना पड़ रही है? देखिए, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि जाके पांव फटे न बेवाई, टेका जाने पीर पराई। आपने उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले को भी माहौल देखा था, किस तरह से दंगा होते थे और दंगाई सरकार को चलाते थे। हमने तो 84 के दंगे भी देखे थे, इसके बाद भी 10 साल एक सिख प्रधानमंत्री रहा ना देश में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चला है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे बात कर ले, शिक्षा पे बात कर ले, शिक्षा पे बात कर ले। आऊंगा बिलाल भाई आपके पास भी आऊंगा, बहुत समय दूंगा आपको भी, बिलाल भाई आपको भी बहुत समय दूंगा, आपका मौका भी आएगा। जी जी विपुल, आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो विकास की परिकल्पना खींची है, वो क्या किसी को दिखती नहीं है? ये सूरदास लोग बैठे हैं क्या इसी उत्तर प्रदेश में? आप देखते देखिए, आज 3-3 घंटे 3 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, वो तो आप भी कर रहे हैं। देख लीजिए, सूरदास बता रहे हैं, भाषा देख लीजिए, महंत जी गर्मी दिखा रहे हैं, ये सूरदास बता रहे हैं। अरे अपने वोटर को अद्धा बता रहे हो यार, अपने वोटर को। मैंने कहा जब आपको विकास दिख ही नहीं रहा तो मैं सूरदास ही कहूंगा ना आपको। आप आजादी के बाद पहली बार इसने व्यापक रूप से मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बना, पूर्व मेट्रो चलने वाले हैं, आपको विकास। चलिए बिलाल भाई बहुत, वो तो सूरदास भी बता रहे, कह रहे बहुत विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। जब आप समाजवादी पार्टी के नेता है, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनता देख रहे हैं, और क्या ये हवा पूरे उत्तर प्रदेश का रुख तय करेगी? बिल्कुल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज वोटिंग हो रहे हैं, जिस 58 सीटों पे वोटिंग है, आज आपने देखा होगा कि 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारत में लोग महिलाएं जो है 4 बजे सुबह और शाम को 7 बजे के बाद किस तरह से सड़कों पे बैठ करके जो है शौच के लिए बैठी रहती थी, और माननीय योगी जी की जब सरकार आई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन्होंने गरीबी को किताबों में पढ़ा है, मगर योगी और मोदी जी ने गरीबी को उल्टा बोलने लगता है। नहीं, मैं फिर अपनी बात पे आऊं। 2014 के पहले आपने पूरे प्रदेश में और देश में देखा था कि हमारी माताएं बहने सड़कों पे शौच के लिए बैठी रहती थी, गाड़ियों का जब लाइट बढ़ता शौचालय तो मोदी जी ने बनाया, आप तो तारीफ कर रहे लगता है।
बिल्कुल तारीफ करूंगा। तो आपको नहीं लगता 2014 के पहले भी इस देश में अटल जी प्रधानमंत्री रहे 3-3 बार, उत्तर प्रदेश में आपकी कई बार सरकार रही है? कितनी बार सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं रही आपकी, कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे आपके मुख्यमंत्री। या तो आप एक बार हमको पूरा सुन लें उसके बाद फिर बोलने दे। नहीं तो आपका नंबर आएगा अभी तो मैं बिलाल खान जी को सुन रहा था, आपको तो बहुत समय दिया, फिर आऊंगा मैं आपके पास। जी बिलाल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो आपको हर मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। देखिए उनसे शिक्षा की बात करिए, उनसे रोजगार की बात करिए, उनसे विकास की बातें करिए, तो हर मुद्दे पे वो आपको भटकाएंगे कहीं ना कहीं। और ये लगता है पढ़ करके नहीं आए। आज मोदी जी जो आपके सहारनपुर दौरे पे हैं, जी 10 मार्च के बाद फिर आपकी रुलाई शुरू हो जाएगी, हंसी नहीं आएगी। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब भी हंस रहे हैं और आपको भी पता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, समझ रहे हैं आप ना? 10 मार्च के बाद फिर आप ईवीएम का रोना रोएंगे। और आज सहारनपुर जो गए हैं मोदी जी, वो योगी को हराने के लिए प्रचार करने के लिए गए हैं, समझ रहे हैं आप ना? और उत्तर प्रदेश में जनता से अब वो गलती नहीं होने वाली है जो 2017 में हो गई थी। अब जनता दोबारा भूल नहीं करेगी, आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो आपको लग रहा है गलती केवल 17 में हुई, 19 में नहीं हुई? देखिए ये आपको 10 मार्च को खुद ही पता चल जाएगा। वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए, समय बड़ा बलवान होता है। और ये चलिए मुझे लगता है उस वक्त में समय, लेकिन अभी शान भाई को वक्त देना होगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो लड़ाई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कहें शान भाई कि सपा और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस को आप कड़ा खा पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो पोस्टर गर्ल है वो चली जा रही हैं, आपके कई सारे नेता साथ छोड़ दे रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कई आपको गिनती में नहीं ले रहा है, बसपा के बाद चौथे पाँचवें नंबर पर आपको गिन रहे हैं, क्या स्थिति आपको अपने हिसाब से क्या लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? मनोज भाई आपने कहा भाजपा और सपा आरएलडी की लड़ाई है, लड़ाई वो नहीं है, लड़ाई सपा और आरएलडी बनाम कांग्रेस की है। भाजपा का तो चुपड़ा साफ हो गया है, भाजपा उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इनका जो कुशासन का राज है, इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं उम्मा में किस प्रकार से आदिवासियों का नरसंहार हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि भाजपा ने किस प्रकार से कुशासन का राज 5 वर्षों में चलाया, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो। मैं एनसीआरबी का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, एनसीआरबी के डाटा ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लूट हत्या बलात्कार में सबसे आगे है। फिर आप नीति आयोग की बात कर लो तो नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ी प्रदेश है। तो ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बिल्कुल विफल साबित। तो लड़ाई भाजपा बनाम सपा आरएलडी नहीं है, लड़ाई सपा आरएलडी बनाम कांग्रेस है। हम हर विधानसभा में हमारी उपस्थिति है और हम ही लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की को 32 वर्षों की जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, किसानों को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदहाल किया गया, महिलाओं को जो जिस प्रकार से सुरक्षा नहीं दे पाई सरकारें, हम वो काम करने जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। और हमने जो विजन प्रस्तुत किया है, हमने जो अपने घोषणा पत्र दिया है, उससे कहीं ना कहीं जनता हमारी तरफ। लेकिन 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 शान भाई, जो 32 साल की बदहाली की आप बात कर रहे हैं, तो उन्हीं 32 साल में 5 साल या उससे ज्यादा का शासन सपा का भी था, वो समाजवादी पार्टी आपके लिए 2 सीट छोड़ दे रही है, आप उनके लिए 2 सीटों पर उम्मीदवार नहीं देते हैं अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ, और वो आपके एक नेता की बेटी के लिए अपना उम्मीदवार हटा लेते हैं। तो बेहतर नहीं होता कि इस प्रकार के अपरोक्ष गठबंधन से अच्छा था कि साथ में मिलकर लड़ लेते, तो शायद बड़ी लड़ाई लड़ते, बेहतर तरीके से लड़ते। कोई अपरोक्ष गठबंधन नहीं है, सबसे बड़ा राक्षस इस देश में भाजपा है, और इस राक्षस को हराने के लिए देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक होना चाहिए, हमारा ये मानना है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं सपा आरएलडी के साथ कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया। मेरा 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 उत्तर सुन लीजिए मनोज भाई, उत्तर सुन लीजिए। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने अपने मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन किया, इसी से पता चलता है कि भाजपा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हार रही है, उसका सफाया हो रहा है। लड़ाई
एसपी आरएलडी गठबंधन बनाम कांग्रेस की है और हमें विश्वास है कि जो प्रथम चरण का जो मतदान हो रहा है इसमें 11 जिलों के 58 सीटों पर जो मतदान हो रहा है कांग्रेस पार्टी 30 से अधिक सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और इस देश में आपने कहा कि सर्वे में मुझे कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, इस देश में सरकार और विधायक और सांसद जनता बनाती है, सर्वे नहीं बनाते हैं। हम इन सर्वे पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जनता पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब वोट बांटने की बात आती तो आप ही तमाम पार्टियों के नेता कहते हैं कि हमने सर्वे कराया और सर्वे में जीतने वाला कैंडिडेट दिखा उसको हमने टिकट दिया। मनोज जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने सबको सुना, आपको भी सुना। मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूँ। उत्तर मेरा खत्म हो जाए ना, आपने बीच में बोल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस देश में सरकारें जनता बनाती है, सर्वे नहीं बनाते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर दस्तक दे रहे हैं, आदरणीय प्रियंका जी के तमाम कार्यक्रमों में, चाहे वो रोड शो हो चाहे वो जनसंपर्क हो, उसमें ओली भीड़ ये दर्शाती है कि कांग्रेस की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश का सामान्य व्यक्ति जाग चुका है। वो 32 वर्षों की बदहाली से बाहर आ रहा है और महिलाओं में जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है कांग्रेस के प्रति, जिस प्रकार से हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उस पे कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है। हमने अपने हर वादे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में, तो भाजपा ने हमारी सरकार चोरी कर ली, पर राजस्थान हो चाहे लेकिन सर चोरी तो तभी हुई ना जब आपके नेता तैयार थे जाने के लिए। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई गन पॉइंट में नहीं लगाया, सचिन पायलट ने बगावत अपनी मर्जी से की, या टीके सिंहदेव भी अपनी मर्जी से नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता आप जो नारा दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, आपकी जो उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की प्रियंका गांधी अकेली लड़ रही। राहुल गांधी ने इस पूरे फेस में, पहले फेस में एक भी रैली नहीं की, ना एक भी डोर टू डोर कैंपेन किया। अभी 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 कोरोना की बहुत सारी पाबंदियां चल रही हैं। हमारे तमाम नेता, आप हमारे स्टार प्रचारकों की सूची देख लीजिए, उसमें तमाम नेताओं के नाम है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही चुनाव से जुड़ी, उस पर बात करेंगे। इसके बाद फिर मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के पास। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है लखनऊ में कि खराब की ईवीएम खराब होने की सूचना आ रही है, यानी कि जो पहले बात की जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर धीमी गति से मतदान हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से ट्वीट कर अपील की है कि इस मामले में वो कार्रवाई करें। तो अभी तो बीच इलेक्शन है, अभी 1:30 बजे का समय है और इस बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है ईवीएम की खराबी को लेकर उन्होंने बात की है। उस ट्वीट में उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो इस मामले में संज्ञान लें कि ईवीएम खराब होने की सूचनाएं लगातार क्यों आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने अब चुनाव आयोग से अपील की, अब देखना है चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है। क्योंकि अभी जब हमारे मेहमानों से बात हो रही थी तो खबर यही थी कि अभी तक जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान हो रहा है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक चल रहा है। अब ये जो खबरें आ रही हैं अखिलेश यादव के पास, ये किसी स्पेसिफिक किसी एक सेंटर दो सेंटर की है, किसी एक दो पोलिंग स्टेशन की है, या किसी एक दो विधानसभा क्षेत्र की है, या पूरे उसकी, ये उन्होंने भी अपने ट्वीट में हालांकि क्लियर नहीं किया है। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके जरूर ईवीएम में जो खराबी हो रही कई मशीनों की उसको लेकर उन्होंने बात की अपनी। और फिर से हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे और समझेंगे इसी से। दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, अभी आपसे भी बात हो रही थी मतदान प्रतिशत को लेकर, और अभी जो अखिलेश यादव का ट्वीट है उसको किस नजरिए से देखा जाए कि क्या इक्का दुक्का सेंटरों की है परेशानी, क्योंकि पूरे 58 सीटों पर तो संभव है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज चल रहा है 1:30 बजे की स्थिति में या 1 बजे की स्थिति में जो आपने अपडेट दिया था। वो धन्यवाद दे दूं, हृदय से शुक्रिया कि आपने विपुल जी को बुला लिया। बहुत दिनों बाद खुल के हंसी, मुझे तो महीनों से नहीं आई। हम तो पता नहीं, आप अक्सर इन्हें बुला लिया करिए, थोड़ा सा इससे जरा सा खून का दौरा बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं वैसे चुनावी मौसम में अगर हम नेताओं के मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ के भी हंस सकते हैं। विपुल जी का धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा ऊर्जा प्रदान कर दी। तो आपको बाबा अच्छा सुनिए, इनको हमेशा बुलाया करिए कि चंदन टीका लगा के। अच्छा दूसरा ये बताइए, प्रवक्ता है कि भक्त है, ये क्या है? इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आप किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। टीके से भी आपको दिक्कत है, गाय से भी दिक्कत है, गंगाजल से भी दिक्कत है। दिक्कत है आपको दुबे जी? भक्त है नहीं, ये भक्त पहले बताइए, भक्त है कि प्रवक्ता है? नहीं दुबे जी, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मैं तो जो आपसे सवाल किया था मुझे लगता है अगर उस पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आप पे आ रहा हूँ। इन्होंने मेरे मित्र ने बीजेपी के नेशनल लीडर विपुल त्रिपाठी ने जूनियर महंत ने जो आप 3 प्रश्न किए हमसे, मैं उसका उत्तर दे दूं फिर आपकी बात पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि आप किसी पार्टी के वो हैं, तो सुनिए अगर गोदी मीडिया के खिलाफ कोई आदमी बोले पत्रकार, तो वो ये किसी पार्टी का उसको आतंकवादी बता देंगे,
किसानों को खालिस्तानी बता दिया। उस पे द्विवेदी फिर कई बात कर रही है, बहुत लंबी बहस है और ये डेढ़ साल बहस है मुझे लगता है। आधा मिनट, अरे इन्होंने इतना हंसाया, आधा मिनट सुनिए। गाय गंगा गोबर की इन्होंने बात की, उनसे दुबई चढ़ रहे हैं, हम सुनिए, हम चढ़ रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अगर ये सिखाएगी उपले कैसे बनते हैं, कंडे कैसे बनते हैं, तो मुझे चिढ़ाएगी, ऐसे पत्रकार चिढ़ाएगी। गंगा में आपको मुगलों को पढ़ने का शौक है, गंगा और गोमती में आज आचमन कर लो, मोदी आए उसमें मिनरल वाटर डाला जाए वो एक अलग चीज है। नॉर्मल आदमी आज भी लाखों करोड़ खर्च करने के बाद, गंगा मंत्रालय बनने के बाद, गंगा में आचमन कर लीजिए, तो मैं चुनौती देता हूँ उसका एक आचमन कर लें आप। और गाय का तो जो दुर्दशा है वो तो आप देख ही रहे हो। तो ये और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, इनसे पूछिए सूरदास के बारे में क्या जानते हैं। इन्होंने पूरे वोटरों को अंधा बना दिया। अरे वो अंधा होने के बाद कितने बड़े भक्त थे कृष्ण जी के, उन्होंने कितने कितने देखिए 10 तारीख के बाद एक डिबेट भाई साहब का फिर रखिए। देखिए अभी अभी मैंने कहा था ना कि ईवीएम पे सवाल करेंगे ये, और 10 मिनट बाद फिर आपने कहा कि ईवीएम पे इनका सवाल शुरू हो गया। ये रोने वाले लोग हैं, अभी हंस रहे हैं फिर रोएंगे ईवीएम पे। अब देखिए इनके महान कहते गर्मी दिखा दूंगा, दुबे जी मुझे लग रहा है जो अखिलेश यादव का ट्वीट है और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का समीकरण, मुझे लगता है दर्शकों के लिए ज्यादा जरूरी वो होगा अगर हम उस पर बात करें। बताइए जी, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की बात हो रही है, तो एक बड़ा वर्ग वहाँ सैनी भी हैं, गुजर भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो क्या सारे आपको लग रहा है कि सारे लामबंदों के किसी एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोटिंग कर रहे होंगे? मैं आपको बताऊं मनोज जी, नेता कुछ नहीं होता, पार्टी कुछ नहीं होती, जब वोटर अपनी पर आता है। बिल्कुल वही मैं समझना चाह रहा हूँ, वही मनोज्ञान। हाँ, सत्ता देता है, सड़क पे बैठे हुए नेता को आसमान बिला देता है, और जब अपनी पाता है, जो पार्टी जिस पार्टी को 54 सीटें दी, 17 में, अभी 17 में दी, उस पार्टी में ये, अरे भाई कहते महंत जी के नाम पे हम अगला चुनाव लड़ाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, और ये विकास की लिस्ट है। आज भी देखिए आदमी पक जाता है सुन सुन के, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, गंगा पलायन कराना, सुरेश राणा फलां ढाईसन, आदमी पक चुका है इन सब चीजों से। अब आदमी को क्या है कि नया, तो जनता वोटर चाह रही है एक नई बयार बहे, किसी विश्वविद्यालय में उपले ना सिखाए जाए, ये सिखाया जाए वहां जमीन में बैठ के कि गन्ने का भुगतान कैसे पहले मिलेगा। तो दुबे जी ये परेशानी तो सब दूर, आपको नहीं लग रहा कि जो नैरेटिव आप जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी हम देख रहे हैं मंदिर मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही है, अखिलेश भी, तो ये जो सबको लग रहा है। दूसरा जो चीज आपने कही वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जब कमलनाथ सरकार बनी तो वो युवाओं को बैंड बजाने का रोजगार दिलवा रहे थे, उनको ढोर चराने का ट्रेनिंग दिला रहे थे कि आपको इसमें करियर बनाएंगे। तो ये जो सारी युवा शक्ति से जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, अगर मैं नाम भी नहीं भी लें, तो जो युवाओं को जिस प्रकार से छलने का काम हो रहा है, तो बेहतर नहीं हो कि उसके लिए कोई एक ठोस योजना बनाई जाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, बैंड बजाने वाला, बैंड करने वाला 25,000 से लेके 10,000 से लेके 1,00,000 तक का बैंड का ग्रुप होता है, लेकिन एक प्रोफेसर अगर उपला प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से ही सिखाए कि गोबर का कंडा कैसे बनता है, अरे उसको पता है, टीम ले यूनिवर्सिटी की और चलाए कराना में, वहां तो उपले बनते हैं, गोबर ही गोबर है, वहां सिखाए अपने यूनिवर्सिटी में क्यों सिखा रहा है। और दूसरी बात, नैरेटिव सेट हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 58 सीटों का जो चुनाव है, मेरे कांग्रेस के मित्र, हमें लगता है कि अपनी सरकार बना के मानेंगे आदर्श की। हम कह रहे हैं मनोज भाई, जब नैरेटिव सेट हो जाता है, जैसे पिछली बार नैरेटिव सेट था कि बस दंगा गुंडा माफिया उच्चे हिंदू मुसलमान, अब की वो नहीं है मेरे मित्र। अब की जानते क्या है, 58 सीटों पर दिल्ली की सिसकियां हैं, किसानों की बेपसी है, किसानों के आंसू बोल रहे हैं। और जब एक जनरल वीके सिंह का भाई अगर कहे कोरोना में कि मुझे बेड नहीं मिल रहा है, कोरोना की बेपसी हम आप सब भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल कोई नहीं भूला है। लाचे तैरती, तो देखिए मैं बता दूं आपको, दिमाग में चीजें रहती हैं, और जब लोकतंत्र में 5 साल बाद मौका आता है तो पूरा हिसाब सूद के साथ चुकाया जाता है। और ये अलग बात है कि 1% का सूद हो, 2% का हो, हमारे लखनऊ में तो 5-5, 10-10% का सूद। वही चीजें दिमाग में मोदी जी के चल रही थी 2017 के पहले, किस तरह से उत्तर प्रदेश जलता था और दंगाई बैठ के देखते थे।
तो विपुल जी, 2017 के बाद आपकी सरकार आ गई, 5 साल हो गए, तो जो कुछ किराना के जो गुनहगार थे, मुजफ्फरनगर के गुनहगार थे, सांवली के गुनहगार थे, आपने कहा सारे गुंडों को या तो अंदर कर दिया या ठोक दिया है, तो जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर उन दंगों की याद क्यों आ रही है, और क्यों 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 प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि दंगाई फिर आ जाएंगे? नेशनल जवाब दिया ना कि उन्होंने कहा कि बात दिमाग में आ जाती है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जब 5 साल में सारे गुंडे ठोक दिए, बंद कर दिए, या जो बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो वो लोग कौन बचे हैं अब जो उत्तर प्रदेश की फिजा खराब कर देंगे, जिनके लिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, जिनके लिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, जिसके लिए पूरी बीजेपी को बार बार कहना पड़ रहा है, तो वो कौन लोग हैं? उनकी पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? अभी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं, हमारे आपको जी आपके पास जी त्रिपाठी जी, यही विपुल भाई से बात करें, हमारे लिए थोड़ा हमें मुक्ति दीजिए, हम थोड़ा सा विपुल भाई से क्षमा चाहते हैं, इनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जी विपुल जी, जी देखिए, अभी सुनील दुबे जी ने कहा था ना कि मेरी बातों पे हंस रहे हैं, उनको हंसी आ रही है, और मैंने आपसे कहा था कि 10 मार्च के बाद ये सारे लोग बैठ के ईवीएम का रोना रोएंगे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी से आएंगे, बिलाल भाई आपके पास भी आऊंगा आपके पास, बहुत समय जी। 10 तारीख के बाद ये रोएंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 10 तारीख के बाद ये फिर ईवीएम का रोएंगे, और मैंने कहा जो सूरदास वाली बात, वो फिर बात में फिर आता हूँ अपने, ये सूरदास जी बैठे लोग हैं डिबेट में, सूरदास हैं, इनको विकास नहीं दिखता भैया, मुझे आप दिख रहे हैं, मैं सूरदास नहीं हूँ, मुझे आप दिख रहे हैं, मैं सूरदास नहीं हूँ, आप हमें दिख रहा है, आपका विकास नहीं दिख रहा, मेडिकल का कॉलेज दिख रहा है, बुनियादी सुविधा इनको नहीं दिखता, नारी सशक्तिकरण पे जो काम हुआ इनको नहीं दिखेगा, रोजगार। चलिए मैं आप दोनों बिलाल भाई और शान भाई आपके पास आऊंगा, इसके पहले कुछ बड़ी खबरें आ रही इलेक्शन से जुड़ी, मैं आपको पहले हमारे दर्शकों को बता दें कि इलेक्शन से एक नया जो अपडेट मिला है वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है, दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया वो ये बता रहा है कि 35% मतदान हुआ, आगरा में 37% मतदान हुआ है, इसके साथ ही अलीगढ़ में 32% मतदान होने की खबर है दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है, बागपत में 38% मतदान है, बुलंदशहर में 37% मतदान है, 37% से कुछ ज़्यादा मतदान की खबरें आ रही हैं, इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 28.66% है, गाजियाबाद में लगभग 32% मतदान की खबरें आ रही हैं, हापुड़ में लगभग 40% के ज़्यादा मतदान हुआ है, इसके साथ ही मथुरा में 35% लगभग 36% के आसपास मतदान की खबरें आई है, मेरठ में ये आंकड़ा 35% के आसपास बना हुआ, और मुजफ्फरनगर में 35.5% से ज़्यादा मतदान होने की खबर है, ये दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। तो पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में लगातार वोटिंग जारी, 58 सीटों पर मतदान हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले दौर में, तो अभी तक जो खबरें आई हैं वो औसत मतदान हमने बताया कि किस जिले में कितना मतदान है, कुछ 58 सीटें हैं 11 जिलों में, तो इसी पर फिर से हमारे खास मेहमानों की और हम रुक करेंगे, इसी मतदान पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शान जी आप ही के पास आऊँगा मैं। अच्छा चलिए, एक और खबर इस इलेक्शन से जुड़ी खबर हम आपको दर्शकों को बता दें, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊँगा। तो सत्ता के महासंग्राम, दर्शक देख रहे हैं हमारे, हम बता दें सत्ता के महासंग्राम, और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही चुनाव की, वो गाजियाबाद में पहले चरण के मतदान की खबर की बात है कि मतदान के दौरान भारी शिकायतें सामने आई हैं, बूथ पर मतदाता पहुँचे हैं, जो बुजुर्ग मतदाता पहुँचे हैं उन्होंने भी शिकायतें की, और पता चला है कि उनके पोस्टल बैलेट हैं उनसे वोटिंग हो चुकी थी। सेठ मुकुंदलाल कॉलेज में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ का मामला है, 71 साल की एक बुजुर्ग महिला जब अपना वोट डालने पहुँची थी तो ये खुलासा हुआ था। जी हाँ, गाजियाबाद में पहले चरण के मतदान में जो कुछ गड़बड़ियों की सूचना है उसकी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंची थी तो खबरें मिली कि उनका वोट जो पोस्टल बैलेट है उनका वो उस पर किसी और ने वोटिंग कर दी है। जी हाँ, सेठ मुकुंदलाल कॉलेज गाजियाबाद का ये मामला है, 71 साल की ये महिला थी। तो जो गड़बड़ियों की बात कर रहे थे हम ईवीएम की, इक्का दुक्का गड़बड़ियों की, ये उस खबर के बारे में दर्शकों को बता रहे थे। तो फिर से खास मेहमानों को रुख करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से समझेंगे सत्ता के महासंग्राम में कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। जी लाल भाई, जो कुछ खबरें हमने देखा कि अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था ईवीएम में खराबी को लेकर, और ये कहा था कि कहीं कहीं पोलिंग में जानबूझकर वोटिंग में देरी की जा रही है, और अब खबरें आई है कि वोट जो है दूसरे लोगों ने पोस्टल बैलेट का उपयोग कर लिया, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ये आप
2017 का चुनाव देख लीजिए या 2022 का देख लीजिए, ये बड़ा टफ चुनाव है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जो रवैया है, वो जो है प्रशासन के साथ और चुनाव आयोग के साथ मिली भगत के तरीके से एक रूप में काम कर रहे हैं। मतलब आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो उन्हीं का है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी तो उनकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से हम जब भी किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता, अगर ऐसा था तो 2017 में तो चुनाव आयोग फिर आपका था, पुलिस आपकी थी, फिर आप चुनाव क्यों हार गए? देखिए, हम कानून हाथ में नहीं लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह नहीं है, हम कानून हाथ में नहीं लेना जानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और हम सब समाज को साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ना कि समाज को तोड़ मरोड़ के राजनीति करते हैं और अपनी गद्दी हासिल करके सत्ता पे काबिज होकर के उस सत्ता का गलत दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सवाल नहीं है, चाहे 2017 में भी आप देख सकते हैं, 2022 में भी आप देख सकते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हिंदू बनाम मुस्लिम का जो रुख देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और बहुत पढ़ी लिखी है। उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव है वो विकास के एजेंडे पे होगा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के उस पे होगा, उत्तर प्रदेश को कौन तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है उस पे होगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार कौन दे सकता है, आऊंगा शान भाई आपके पास आऊंगा मैं, बिल्कुल, व्यवस्था कौन दुरुस्त कर सकता है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, आईटी सेक्टर में नौकरियां कैसे मिलेंगी, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, इस पे इस बार की जनता वोट करेगी, ना कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड नहीं चलने वाला है। जी शान भाई, जैसे कि आपने मतदान के प्रतिशत को बताया, जनता का और मतदाताओं का उत्साह बता रहा है, वो पूरी ही आतुरता के साथ भाजपा की विदाई कर रही है, वो उत्सव मना रही है आजादी का। एक जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था, जो तथाकथित महंत जो अजय सिंह बिष्ट जी हैं, उनको फिर से उत्तराखंड पहुंचाने का काम जनता करने जा रही है। जिस प्रकार से हाथरस और उन्नाव में हमारी बेटियों को कुचला गया, उनके बलात्कार किए गए, आज उसके बदले का दिन है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भाजपा का सफाया करने जा रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां मतदान चल रहे हैं वहां से ये खबरें आ रही कि भाजपा का पूरा सफाया होने वाला है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पांचों राज्यों में भाजपा का सफाया होगा। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, 15 वर्षों में सबसे अधिक महंगाई, ये आंकड़े बताते हैं, बेरोजगारी 45% सबसे अधिक है, ये आंकड़े बताते हैं, देश का 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, ये आंकड़े बताते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र की, उसने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, आज मोदी जी की अच्छे दिन की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की आज, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री संसद में भाषण देते हैं तो वो सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस नहीं होती तो दंगा नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो ये नहीं होता, भाजपा नहीं होती तो शायद हाथरस नहीं होता, भाजपा नहीं होती तो उन्नाव नहीं होता, भाजपा नहीं होती तो महंगाई नहीं होती, भाजपा नहीं होती तो बेरोजगारी नहीं होती, भाजपा नहीं होती तो इस देश की तमाम समस्याओं का। अच्छा अच्छा, इसके उलट पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस होगी तो क्या क्या होगा? मनोज भाई, मुझे मेरी बात रख ले, मैं तो आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस होगी मनोज भाई तो क्या क्या होगा? विकास होगा, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा, उनकी कर्ज माफी होगी, इन तमाम मुद्दों के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये चर्बी और गर्मी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भर्ती की बात कर रही है। आज युवाओं के हाथों को काम चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। आज इस देश को गर्मी और चर्बी से कोई लेना देना नहीं है। मैं भाजपा के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा, यदि पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान ना होता तो भाजपा का नामो निशान ना होता। भाजपा का काम केवल मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना और वोट लेना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। आज इस देश की जनता करा रही है। आपने देखा बागपत में किस प्रकार से एक जूते व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। आज भाजपा ने देश को बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए काम किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया और देश का विकास किया है। आज मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को और देश को गर्त में ढकेलने का काम किया, इसीलिए देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हो चुकी है। वो इनके अच्छा, आपसे एक सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ती है, सरकार अगर वो बना पाते हैं अगर, तो क्या कांग्रेस समर्थन करेगी? हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं,
यदि हो सके तो हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें हमारी नहीं पड़ेगी। सरकार कांग्रेस ही बनाएगी उत्तर प्रदेश में, ये हमें पूरा विश्वास है। और तो बिलाल भाई, रही बात, आपकी पार्टी समर्थन करेगी कांग्रेस को सरकार बनाने में कुछ नंबरों की जरूरत पड़ी तो? ये जनता सर्वोपरि है, अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। आपको कांग्रेस को वोट करना, वोट बर्बाद करना आपके हिसाब से? नहीं, हमने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, हमने कहा, मैंने तो सीधा पूछा ना कि अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई विकास के लिए है, रोजगार के लिए है। भारतीय जनता पार्टी, आप नाम मत लीजिए, क्योंकि हम नाम नहीं ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हमें दर्शकों को कैसे समझ में आएगा? नहीं, वो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो देखिए, नहीं, बहुत सारी चीजें इशारों में काम नहीं चलता है ना, इसके लिए बताना पड़ता है। उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, जो शख्स आम है वो भी खास लिखा जाएगा। बेकसूरों पर साजिशन जुल्म न करें योगी जी, वरना बांधेगी यही जनता, तो उनका इतिहास लिखा जाएगा। दुबे जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा था, पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव था, पूरा नैरेटिव सेट हुआ था, और जब चुनाव खत्म हुआ तो बीजेपी 300 प्लस थी। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का संदेश आपको लग रहा है बाकी के उत्तर प्रदेश में उसका हमको असर दिखाई देगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का किसान को भारतीय जनता पार्टी ने जितना प्रताड़ित किया, समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बोलिए। उत्तर प्रदेश के किसानों को जितना परेशान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अभी तक कभी किसान किसी भी सरकार में इतना नहीं परेशान हुआ, इतना नहीं रोया, इतना नहीं जान उसकी गई, इतना नहीं। मतलब आपने एक चीज तो मान ली कि इतना नहीं रोया, मतलब पिछली सरकारों में खुश भी नहीं था। दुबे जी, मेरा सवाल जो आपसे था भैया, मनोजी बात नहीं कर रहा है, मैं दुबे जी से बात कर रहा था। बुला जी, हमारी सरकार, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार शुरू से किसानों के साथ खड़ी है। नहीं, मैं तो आप ही ने जो बात कही थी कि किसान कभी इतना नहीं रोया, इसका मतलब कि किसान कभी पहले खुश भी नहीं था। की बात करती है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ती है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम नौजवानों को रोजगार मिले। ये नौजवानों को कट्टा बम बंदूक थमाते हैं, वो भी किसी के घर के बच्चे हैं, उनके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सोचते हैं? चलिए, विपुल जी से जवाब ले लेता हूँ। विपुल जी, वो कह रहे हैं कि आप तो कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप तो युवाओं के हाथ में कट्टा बंदूक थमा देते हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे। आप देखिए भाई, मैं कहता हूँ ना, मैं कहूंगा तो उनको पीड़ा होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2017 के पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि किस तरह से पुलिस वालों को लखनऊ के बीच तारों में बोनट पे बांध के घुमाया जाता था, किस तरह से टोल प्लाजे को लूट लिया जाता था, किस तरह से माँ बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता था। और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उन्नाव में क्या हुआ? चांद भाई, आपका नंबर आएगा, एक एक करके बोलेंगे, सबको मजा आएगा। उन्होंने भी आपके बीच में ही टोके थे, प्रवक्ता मुझे बताएं, आप जब बोले वो भी बीच में ही टोके, तो मैं कहूंगा कि उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा उनकी बात का। अथवा में क्या हुआ, अथवा में क्या हुआ था? मैं बोला था ना कि मैं बोलूंगा तो इनको जो है दर्द होगा, दर्द इनकी पीड़ा रही है, इनकी पीड़ा पड़ेगी, आपके मानसिक पीड़ा पड़ेगी। हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे, जो आप बकवास कर रहे हो ना टीवी पर बैठकर, उसकी वजह से हमको हंसी आ रही है। आप अपने पहले संगठन को मजबूत करिए, फिर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए मित्र, कि कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस के पूरी उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है आप ये डिबेट खत्म होने के बाद उनको टिप दे देना संगठन मजबूत करने के, अभी तो आप अपनी बात कर लीजिए। विदाई आपकी हो रही है, विदाई आपकी हो रही है, चिंता मत कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनाते हैं पार्टी में, आप पार्टी और संगठन की ढांचा हमको बताएंगे? आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए पहले, आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, पहले आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। आप तो इतिहास पहले पढ़िए, आपने इतिहास तो पढ़ा नहीं है,
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान बांट रहे हो ना, पहले आप कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, भव्य इतिहास है। जब आप अंग्रेजों को गुलामी कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, तब कांग्रेसी अपना लहू दे रहे थे देश के लिए। इसीलिए कांग्रेस पर टिप्पणी मत कीजिए, कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए। पहले अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़िए। उन्होंने अंग्रेजों के जो तलवे चाटने का काम किया ना, अभी मोदी जी ने कहा सदन में कि कांग्रेस ने समस्या खड़ी की है। समस्या तो रहेगी आपको, क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाकर आपकी गुलामी छीन लिया, आपको बेरोजगार कर दिया कांग्रेस ने, इसके लिए आप कांग्रेस से चिड़े हुए हो। पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद बोलिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे हैं वो 10 मार्च के बाद फिर चकनाचूर हो जाएंगे। कोई मुद्दा नहीं है। 10 मार्च के बाद अजय सिंह भी उत्तराखंड जाएंगे और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस की सरकार मिलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका दीदी कहां जाएंगे चैनल के ऊपर? फिर जाएंगे छोटी सी प्रतिक्रिया दुबे जी की, फिर आपके पास आऊंगा मैं। बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दे, पीसीआर दुबे जी से बात कर लेते हैं। मोतिहार भाई बन के इन्होंने सरकार को जनता को ठगने का काम किया था जी। दुबे जी आप सबकी आवाज बंद है अब जी। दुबे जी आवाज आ रही है आपको? एक कंधे पे चले थे, चलिए लगता संपन्न हो पाया, लेकिन अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे जी आपका, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फैली 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। एक एक पल की खबर, एक एक पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और आप सत्ता का महासंग्राम देख रहे थे और आप देखते रहिए अनादि टीवी। मैं लौटूंगा कुछ देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार।